राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मरुधरा दौरा, आज मानगढ़ धाम पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। धूनी दर्शन, शहीदों को नमन और गौरव सम्मान समारोह सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा मानगढ़ धाम पहुंचेंगी और दोपहर 12:30 पर शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर शहीदों को नमन करेंगी। स्मारक स्थल के बाद विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगी, साथ ही मुख्य समारोह स्थल पहुंचकर आदि गौरव सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शरीक होंगी। राज्यपाल हरिभाव किसनराव बागड़े भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति 4:10 पर मानगढ़ धाम से उदयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और डबोक एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो प्रदेश दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ऐसे में आज कई सारे उनके कार्यक्रम हैं, गौरव सम्मान समारोह सहित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी, शहीदों को नमन करेंगी और दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से मानगढ़ धाम पहुंचेंगी। आज के कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाव किसनराव बागड़े भी मौजूद रहेंगे, साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। मानगढ़ धाम में धूनी दर्शन का भी कार्यक्रम है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। कल प्रदेश पहुंची थी और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विक्रम सिंह फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या कुछ पूरी जानकारी, आज कई सारे कार्यक्रम हैं राष्ट्रपति के? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो कल रात को यहाँ पे आबू रोड पहुंची थी और कल रात से ही रात्रि विश्राम यहाँ पे आबू रोड के मानसरोवर में किया जा रहा है, उनका रात्रि विश्राम था और अब उसके बाद में सवेरे से सुबह जो है वो ब्रह्मा कुमारी के अंदर मेडिटेशन का कार्यक्रम किया। उसके बाद में सवेरे 9:30 के आसपास उनका जो कार्यक्रम है वो विधिवत रूप से शुरू होगा, जिसमें विश्व वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है उसका उद्घाटन करेगी राष्ट्रपति जी। उनके साथ में जो प्रदेश के राज्यपाल है हरिभाव जो बागड़े हैं वो भी वो यहाँ पे हैं, उसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और राज्य के जो प्रदेश के जो मंत्री है प्रदेश के मंत्री भी यहाँ पे उनके साथ में मौजूद है और वैश्विक सम्मेलन जो है वो ब्रह्मा कुमारी के डायमंड हॉल में आयोजित होगा। डायमंड हॉल में करीब 5,000 से ज्यादा जो लोग हैं पूरे विश्व से जानी मानी हस्तियां वो यहाँ पे भाग ले रही है इस कार्यक्रम में और उस कार्यक्रम के बाद में राष्ट्रपति है वो वापस यहाँ पे बांसवाड़ा के लिए रवाना होगी। इसी के साथ विक्रम, प्रदेश सरकार में कुछ जो मंत्री हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं, अगर उनके नामों का जिक्र हम करें तो? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा अभी जो रात से ही यहाँ पे जो प्रदेश के जो गोपालन मंत्री है जोराराम कुमावत वो भी यहाँ पे साथ में है, उनके अलावा जो अपने राज्य मंत्री जो ओटाराम देवासी है वो भी यहाँ पे है, इनके अलावा जो जोगेश्वर गर्ग है उनके भी पहुंचने का यहाँ पे कार्यक्रम है। इसके अलावा भी जो है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के पहुंचने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनका कोई कार्यक्रम है वो भी फाइनल हुआ नहीं है, अभी उनके जो कार्यक्रम आने के बाद में ही उसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। जी चलिए विक्रम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो मानगढ़ धाम में धूनी दर्शन करने का कार्यक्रम है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का और इसके अलावा गौरव सम्मान समारोह में वो शामिल होंगी, शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन करेंगे और साथ ही प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद रहेंगे, प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री मौजूद रहेंगे और साथ ही कुछ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे।